सेना में 4 साल की भर्ती नहीं बल्कि स्थायी नौकरी देने, सरकारी विभागों में 1 करोड़ से अधिक रिक्त पड़े पदों को भरने व काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने पटेल चौक पर प्रदर्शन किया। सेना में 4 साल की भर्ती के विरोध में स्थायी नौकरी देने, सरकारी विभागों में 1 करोड़ से अधिक रिक्त पड़े पदों को भरने व काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले शनिवार को दुर्ग के पटेल चौक पर जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि संगठन के राज्य सचिव आत्माराम साहू ने बताया कि 14 जून को रक्षा मंत्री द्वारा रोजगार के क्षेत्र में एक नई स्कीम अग्निपथ का ऐलान किया गया है। इसके तहत अब सेना में जवानों की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए होगी और उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे भर्ती किए गए जवानों को पेंशन तथा किसी तरह की सुविधाएं नहीं दी जाएगी। साथ ही कहा गया कि एक तरफ अग्निपथ स्कीम जैसी युवा विरोधी नीति लाई जा रही है और दूसरी तरफ प्रधान सेवक द्वारा अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया जा रहा है। अजीब इत्तेफाक है कि 8 वर्ष के बाद उन्हें शायद याद आया कि सरकार के विभिन्न विभागों में 10 लाख पोस्ट खाली है, जबकि सरकार 4 लाख नौकरियों को समाप्त कर चुकी है। 10 लाख नौकरी का ऐलान भी हर साल 2 करोड़ नौकरी के वादे की तरह जुमला बनकर रह जाएगा। उन्होंने देश में बेरोजगारी की समस्या को भयावह बताया। युवा हताश और निराश है, ऐसे में अग्निपथ जैसी स्कीम युवाओं के मनोबल को तोड़ने का काम करेगी। 2 साल से कोरोना की आड़ में सरकारी विभागों में नौकरी नहीं दी जा रही थी, अब जब स्थिति सामान्य हुई तो युवाओं को उम्मीद थी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसी स्थिति में इस तरह की स्कीम लाना युवाओं के लिए वज्रपात से कम नहीं है। सरकार को रोजगार की समस्या दूर करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन वे ऐसा न करके ठीक इसके विपरीत एक एक करके बचे खुचे सरकारी संस्थानों से स्थायी नौकरी को समाप्त कर रही है। इस तरह की स्कीम से ठेकेदारी सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार की समस्या और विकराल रूप धारण कर लेगी। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो अग्निपथ के नाम पे जो नीति निकाली गई है, वो नीति तो युवाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए निकाली गई, क्योंकि 4 साल की नौकरी में कुछ नहीं होता है। आर्मी या सैनिक की जो नौकरी होती है वो 5 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनको परमानेंट किया जाता है। ये 5 साल की ट्रेनिंग करके उनको बंदूक चलाना, हथियार चलाना आ तो जाएगा, लेकिन 4 साल के बाद ये लोग क्या करेंगे? हमारी आज की जो परिस्थिति है वो इतनी खराब होते जा रही है, इतनी बदतर होते जा रही है कि वो आके या तो नक्सलवाद या कोई भी समूह करके हमारी परिस्थिति को और भयंकर कर सकती है। इसलिए 4 साल की नौकरी हम लोग को नहीं चाहिए, हम युवाओं को, हमको एक स्थायी नौकरी, एक परमानेंट नौकरी चाहिए। आज हमारा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जो केंद्र सरकार की जो अग्निपथ की नीति है, यानी सेना में 4 साल की भर्ती की जो नीति है, इसके खिलाफ में है। क्योंकि हमारा मानना है या आम जनता युवाओं का भी मानना है कि जब तक स्थायी नौकरी, कोई भी नौकरी स्थायी नहीं होता है, तब तक उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। इसके खिलाफ में यह प्रदर्शन था। जिस तरह से युवाओं पर बेरोजगारी और अपनी उम्र निकल जाने का भय सता रहा है, जिसके चलते अब युवा सड़क पर उतरकर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्र व राज्य सरकार इन युवाओं को किस तरह से राहत पहुंचाकर इनका दर्द साझा करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।